तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आने वाला है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं इतिहास विषय का। तो इसलिए अगर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपको मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं इतिहास विषय का। तो इसलिए पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा, जिससे कि आप सभी को वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यहां से देख पा रहे हो, यहां पर स्पष्ट लिखा होगा कक्षा 11वीं परीक्षा 2021-22 और इतिहास आपका विषय। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो पेपर आप देख रहे हो ये डी वाला सेक्शन है। कौन सा सेट है? ये सेट डी है। यहां से आप देख पा रहे हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुल 23 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज कुछ 15 पेज आपके प्रिंटेड होंगे और कुल आपके 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों मेरे द्वारा आप सभी को यहाँ पे बता दिया गया है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दोस्तों इस प्रकार का पूरा देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर कैसा होगा, कितने सारे प्रश्न इसमें से आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। वन बाई वन करके प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को मैं पूरा वीडियो बताने वाला हूँ, तो इसलिए पूरा वीडियो देख कर जरूर जाइएगा, जिससे कि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र ये इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा। देखिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन पेपर की शुरुआत यहां से होगी। सर्वप्रथम आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं, तो सही विकल्पों का चयन आप इस जगह से करके देख सकते हो क्या लिखा है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्पों में अगर देखा जाए तो पहला सही विकल्प दिया गया है आधुनिक मानव को कहा जाता है। आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों होमो सेपियंस। क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस। अगला दिया गया है मेसोपोटामिया की लिपि कहलाती थी। तो दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा कीलाकार। कौन सी लिपि कहलाती थी? कीलाकार लिपि ये कहलाती थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्मों को राजधर्म बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दोस्तों ये वाला हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन। और आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो अगला यहाँ पर दे दिया गया है मैनर का नियंत्रण किस पर होता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी वाला। कौन सा आ गया? सी वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि गांवों पर। इसके नीचे अगला दिया गया रक्त प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ना दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, विलियम्स हार्वे ने किया। तो इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है दोस्तों। इसी के नीचे आप यहां से देख पा रहे हो, तो यहां से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो रिक्त स्थान पूर्ति भी हम जल्दी से जल्दी पूरी कर लेते हैं। तो पहला दिया गया प्रथम अफीम युद्ध चीन और के मध्य हुआ। तो प्रथम अफीम युद्ध जो है दोस्तों चीन और इंग्लैंड के मध्य हुआ। किसके मध्य? चीन और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। अगला दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, मानववाद के जनक है। दोस्तों आपको ये बताना है कि मानववाद के जनक कौन है। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों पेट्रोक। कौन है? पेट्रोक। मानववाद के जनक कौन है? पेट्रोक। तो इस जगह पर आपको पेट्रोक लिख लेना है। अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्प को कहा जाता है। सर्प किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इसमें आपको लिख लेना कृषिदासों को। कृषिदासों को क्या कहा जाता है? सर्प कहा जाता है। अगला दिया गया है चंगेज खां की विधि संहिता को कहा जाता है। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यास। चंगेज खां की विधि संहिता को क्या कहा जाता है? यास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पा रहे हो क्या दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है इस्लाम का उदय शताब्दी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो है ना, ये क्या आ जाएगा दोस्तों? 7वीं शताब्दी में। इस्लाम का उदय कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ था। तो दोस्तों आपने देखा अभी तक यहाँ पर हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति तक का समझ लिया है। अब आगे हम सही जोड़ी का मिलान देखते हैं कि सही जोड़ी का मिलान आपको किस प्रकार से पूरा करना है। तो पहला दिया गया है सही जोड़ी जिम रिलिम। तो इसका जो जोड़ी मिलेगी दोस्तों, इसकी जोड़ी आपको सी नंबर से मिलान कर लेनी है। 2 नंबर पर जो दिया गया है इसकी जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको डी से कर लेना है। और अगला दिया गया जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो दिया गया तीसरे का, इसकी जोड़ी का मिलान आपको ए से कर लेना है। और अगला दिया गया चौथा
होमो शब्द, होमो शब्द क्या है दोस्तों, चौथे का आपकी जोड़ी किससे मिल जाएगी, ये से मिल जाएगी, और अगस्त इसकी जोड़ी दोस्तों आपसे इसकी मिल जानी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों आप इस जगह पर देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए यहाँ से आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिख के बताने हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम इनके भी उत्तर देख लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है वो क्या है, रोमन साम्राज्य के प्रमुख देवी देवता कौन थे। आपको ये बताना दोस्तों कि रोमन साम्राज्य के प्रमुख देवी देवता कौन थे। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपका, एक तो जुपिटर देवता थे, जुपिटर, और दूसरे जो थे जूनो और मार्स। जुपिटर जूनो लिख लेना है और एक आपको मार्स लिख लेना है। क्या लिख लेना है, मार्स। आगे बढ़ते हैं, अगली की बात करते हैं। तो अगला दिया गया है, मंगोल कबीले के सरदारों की सभा को क्या कहते थे। तो मंगोल कबीले के जो सरदार होते थे उनकी सभा को कहते थे किरिलताई। क्या कहते थे, किरिलताई। तो ये आपको इसमें लिख लेना है। अगला यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, वर्सनी कैनोल सर्वप्रथम कहाँ, कब तथा किसके द्वारा निर्मित की गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया ना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड आपको इस जगह पे लिख लेना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, क्या लिखा है, कैपिटलिज्म एंड स्वेरी के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा एरिक विलियम। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको क्या लिख लेना है, एरिक विलियम। तो इस जगह पे आपको एरिक विलियम लिख लेना है। अगले की बात करते हैं, मानवतावाद का क्या सिद्धांत है। तो दोस्तों मानवतावाद का क्या सिद्धांत है, तो इसका सिद्धांत मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, तो आपको इस प्रकार से पूरा लिख लेना है। ये एक जीवन दर्शन है जिसमें मनुष्य और उसके लौकिक जीवन को विशेष महत्व दिया जाता है। एक बार पुनः मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, ये एक जीवन दर्शन है जिसमें मनुष्य और उसके लौकिक जीवन को विशेष महत्व दिया जाता है। तो ये मानवतावाद होता दोस्तों, आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे और पूरा लिख भी लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूरे देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मैं आप सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग इनको यहाँ से नोट करते चलें बिल्कुल बराबर, और इनको पूरा का पूरा आप यहाँ से लिख लें। आपकी परीक्षाओं में यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपको दिए गए हैं, आप सभी लोग इनको पूरा लिखते चलें और नोट कर लें। बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में यही सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूरे पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आप सबको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग इनको देखेंगे और बराबर इनको नोट कर लेंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपको में पूरा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा आप सभी को यहाँ पर बता दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जल्दी से, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले। दोस्तों इसी के साथ में मैं आप सबको वार्षिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।